गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स जो चैप्टर हमारा 4th है डिटरमिनेंट का, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। तो जैसे इन 3rd चैप्टर में हमने सीखा था, 3rd चैप्टर में अबाउट मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स को मतलब कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सीखेंगे भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लाइक ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज सी वन इज इक्वल टू जीरो, और ए टू एक्स बी टू वाई प्लस में सी टू इज इक्वल टू जीरो। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये भी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो कैसे लिखे जा सकते हैं इनको, इस तरह से लिखा जा सकता है। ए वन इनकी कोफिशियंट को लिख लेंगे, बी वन ए टू बी टू, और ये एक्स वाई वेरिएबल है, और इनके इक्वल में या उधर रख लो, ये प्लस है या माइनस जो भी है। तो ये मान लो सी वन आ गया, ये सी टू आ गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं इक्वल टू सी वन है, ये इक्वल टू सी टू है, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा आपके पास। अगर हम लेको इनको सिंप्लीफाई करें, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या बन जाएगा, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई। फिर इस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू एक्स बी टू वाई, और ये किसके इक्वल आ गया, सी वन सी टू, सॉरी सी वन सी टू के। अगर हम लोग इसको इक्वेट करें तो क्या बना, ए वन एक्स बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। अब ये देखो दो इक्वेशन है, वही इक्वेशंस तो है ये। इसका मतलब क्या है, जो लीनियर इक्वेशन है उनको हम लोग टू वेरिएबल की है या थ्री वेरिएबल की है, तो उनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे दूसरा सोचो, जैसे इसके बारे में है, अब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लोग 10th क्लास में करते थे यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कि ए वन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ए वन बी टू इज इक्वल नॉट इक्वल टू ए टू बी वन। इधर लिया ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनकी यूनिकनेस, ये भाई उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता था भाई उनका सॉल्यूशन कैसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एक्सपेंशन आया अपने पास वो किससे रिलेटेड है, मैट्रिक्स ए से रिलेटेड है, इसी को डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग एक डिटरमिनेंट की डेफिनेशन दें तो क्या होगा, डिटरमिनेंट इज ए नंबर, नंबर अब नंबर भी कैसा है, किसी भी टाइप का हो सकता है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर रियल या कॉम्प्लेक्स, किसी भी टाइप का, रियल और कॉम्प्लेक्स। डिटरमिनेंट इज ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद ए मैट्रिक्स, एसोसिएटेड विद ए मैट्रिक्स भी कैसे, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। माना डिटरमिनेंट क्या है, वास्तव में कोई नंबर है, और किसका, वो स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो जो वैल्यू आती है उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज
सपोज करो आपके पास ए मैट्रिक्स थी तो उसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, डिटर्मिनेंट ए, ए की बात या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, उसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग किसी भी मैट्रिक्स, ए का है बी है तो बी आ जाएगा इसकी जगह पे, ए की जगह पे। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का जो वन ऑर्डर के, टू ऑर्डर के, थ्री ऑर्डर के, उनको कैसे निकालेंगे। सपोज करो मैं आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है वन ऑर्डर की, उसका एलिमेंट वन है, तो इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा, वन ही आएगा, ये वैल्यू हो गई है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी वन ऑर्डर की है ना, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो वन आ गया। मैंने इसको इस टाइप से लिखा जा सके ना, ये इसके इक्वल नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन आया, या इसको ऐसे लिख सकते डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन। अब देखो टू ऑर्डर की है, टू ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके कैसे लिखेंगे, अभी हमने वैसे किया तो है, फिर भी लिख लेते हैं ए वन, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ये मैट्रिक्स है। अब जैसे इसका ये सपोज करो ए ही ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करते हैं हम लोग, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए वन वन, ए टू टू माइनस, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए कोई सा लिख लो टू वन, ए वन टू, है ना, इस तरह से ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और ये कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको डिटर्मिनेंट बोल देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ना थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स की, थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स की, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे सुपोज करो भाई आपके पास ये मैट्रिक्स है थ्री ऑर्डर की, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाएंगे पहले। माना कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कोई दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना लेंगे इस टाइप से, जैसे ये दो ऑर्डर का बन गया, या दो ऑर्डर का ये बन गया, या दो ऑर्डर का ये बन गया, ये टू ऑर्डर की, ऐसे मैट्रिक्स बना लेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे तो नहीं पहचान सकते ना भाई कौन से बनानी हमें, तो हम लोग क्या करेंगे फिर उसको या तो रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड कर देंगे, रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे उसको। अब देखो थ्री रो है और थ्री कॉलम है, तो इसका मतलब थ्री ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपेंड करने, उसका डिटर्मिनेंट निकालने के सिक्स वेज हो गए हमारे पास, या आर वन के अलोंग एक्सपेंड करें, आर टू के अलोंग एक्सपेंड करें, या आर थ्री के इसी तरह से कॉलम सी वन सी टू सी थ्री के अलोंग एक्सपेंड करें। आंसर सभी का सेम आता है। जैसे मान लीजिए अब हमें इसी को ही एक्सपेंड करना है, सुपोज करो इसका डिटर्मिनेंट निकालना, हम लोग क्या करेंगे आर वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे ना, आर वन के अलोंग, तो देखिये आर वन कौन सी है, ये है, तो इसका जो एलिमेंट है वो बाहर रखेंगे और ये जो है इसके अलोंग के एलिमेंट और इसके अलोंग एलिमेंट, कॉलम के अलोंग और रो के अलोंग एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो जो हमारे पास टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। और प्लस एक बात का ध्यान रखना है आपने, जो इसका साइन आएगा वो माइनस वन की पावर इनकी जो सुफिक्स का सम है, सुफिक्स का सम, सम ऑफ सुफिक्स, सुफिक्स में ना वन प्लस वन, तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है आर वन के लोंग एक्सपेंड कर रही हैं, तो यहां भी क्या आएगा माइनस वन, अब देखो वन प्लस में टू, और फिर एलिमेंट क्या ए वन टू, फिर ये देखो इसके अलोंग कॉलम को छोड़ देंगे, अलोंग रो को छोड़ देंगे, तो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो ये यहां से ये चार एलिमेंट बचे, तो माना ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री, इस तरह से। और फिर पूरी रो तो नहीं एक्सपेंड हुई ना, अभी ए वन थ्री है, तो इसी तरह से उसको भी लिखेंगे माइनस वन की पावर इसके सुफिक्स का सम, सुफिक्स कितना वन प्लस थ्री, इसके लॉन्ग कॉलम को छोड़ दिया, इसके लॉन्ग रो को छोड़ दिया, तो इनकी क्रॉस ये डिटर्मिनेंट आ गया टू ऑर्डर का ए टू वन,
है ना, ए टू टू ए, है ना, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये बचा ना ए थ्री वन और ए थ्री टू, इस तरह से। दूसरी बात नोट करो, तो देखो पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, क्यों, माइनस वन की पावर टू प्लस हो जाएगा, माइनस वन की पावर थ्री माइनस आ जाएगा, और माइनस वन की पावर फोर प्लस आ जाएगा, मतलब ऐसे रैंडमली चल रहा है, अल्टरनेटली चल रहा है, पहले क्या रहा प्लस, फिर क्या रहा माइनस, फिर क्या रहा प्लस, ऐसे चलता है। अब देखो ये कोई जरूरी नहीं है हर रो कॉलम के अनुसार, वो तो इनके सुफिक्स के सम पता चल जाता है। देखो एक क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आएगा। और दूसरी बात है, अब जैसे मान लो इनका क्या करना है, ये तो हमने टू ऑर्डर की बाड़ी को तो एक्सपेंड करना सीख लिया भाई, इनको कैसे इनका डिटर्मिनेंट निकालते ना, ये हमने इसको सीखा हुआ है टू ऑर्डर की। तो अगर हमारे पास टू ऑर्डर की बन जाए फिर दिक्कत नहीं है, पर थ्री ऑर्डर वाली को पहले टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में चेंज करना है, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। हाँ दूसरी बात क्या है, ये तो आर वन के अलोंग हमने एक्सपेंड किया है, आर टू भी हो सकता था, आर थ्री भी हो सकता था, सी वन सी टू सी थ्री भी हो सकता था। अब देखो क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट टू क्वेश्चन में। तो इसका डिटर्मिनेंट आप जैसे ये भी ना लिखा होता ना डिटर्मिनेंट, इवेलुएट ये का, अब ये जो साइन लगा हुआ ये किसका, डिटर्मिनेंट का है, अगर इस तरह से लगा हो तो मैट्रिक्स का है, अगर इस तरह से लगा हुआ हो तो वो डिटर्मिनेंट का साइन है। तो देखते ही पता लग रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं हम लोग, टू इंटू में माइनस वन, फिर माइनस हमारे फार्मूले में आता है, फिर इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फोर इंटू में माइनस फाइव, तो ये तो क्या बन गया, माइनस का टू, ये माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी, तो कितना आ जाए एट्टीन, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। और कहा था ना डिटर्मिनेंट क्या है, एसोसिएटेड ए नंबर, एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स, है ना, तो इसलिए वो एक नंबर रिजल्ट में आता है। और देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भी उसी तरह से फर्स्ट पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्या बन गया कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस हमारे फार्मूले से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा, तो चलो लिख लेते हैं ना, तो ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस बन जाए क्योंकि यह माइनस आना है ना, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये क्या आ गया एक आंसर आ गया आपके पास, एक नंबर है कोई ना कोई। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है, जैसे सेकंड पार्ट में भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इस किसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स प्लस में वन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस में वन माइनस हमारे फार्मूले का, फिर इनकी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब देखो या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, या हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, है ना, तो ये उसी टाइप का है, डायरेक्ट लिखो तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन बन जाएगा, और ये एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करके देखोगे तब भी यही आएगा, बस कैलकुलेशन का फर्क पड़ता है, थोड़ा आपको दो चार स्टेप फालतू करने पड़ेंगे। तो ये आ गया एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गया माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में, देखो कहता है इफ ए मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स आ भी है ना, देन सो दैट डबल मैट्रिक्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और फोर टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें किस किस की जरूरत पड़नी है, तो डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़नी है वो लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो क्रॉस, तो ये क्या बन जाएगा ऐसे बन जाएगा, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई टू वन जा टू और ये फोर टू जा एट, तो कितना आ गया माइनस का सिक्स आ गया। फिर किसकी जरूरत पड़नी है डबल ए, तो डबल ए कर लो तो ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का डबल हो जाएगा, पहले जिनकी जरूरत पड़नी है ना वो हम लोग निकाल रहे हैं इसलिए ऐसा है। तो ये देखो टू हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, टू टू जा फोर टू एट और टू टू जा फोर, ये आ गया आपके पास। अब इसका भी क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए, टू इसका डिटर्मिनेंट चाहिए,
इसका डिटरमिनेंट माना क्या है, इसका डिटरमिनेंट तो 4 2 8 - 8 4 32, तो कितना आ गया माइनस का 24। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड क्या है, 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए, 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया माइनस का 6, तो कितना आ गया माइनस का 24, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए, इक्वल आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इफ ए मैट्रिक्स है, देखो है तो क्वेश्चन वैसा ही लेकिन मैट्रिक्स का फर्क पड़ गया, वो 2 ऑर्डर की थी या 3 ऑर्डर की हो गई है, प्रूव वैसे ही करना है हमें, मतलब तो जो जो चीज की जरूरत पड़नी है वो हम लोग ले लेते हैं, 3A की जरूरत पड़ेगी 3A निकाल लेते हैं, तो 3A क्या बन गया 3A, A में ना मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 4, तो हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, तो राइट हैंड साइड में 27A, डिटरमिनेंट A की जरूरत पड़ेगी, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A भी निकाल लेते हैं। अभी देखो हमें उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना आसान होता है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 हो, जैसे इस कॉलम C1 में भी 2 0 है और R3 में भी 2 0 है, या तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो या R3 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, दोनों से आंसर सेम आना है, चेक कर तो किसी के भी अलोंग लो, है ना, लेकिन आसान हमें यहाँ से पड़ता है। तो देखो C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 एलिमेंट, और 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ये बन गया, है ना, इसको छोड़, इसके अलोंग रो छोड़ दी, इसके अलोंग कॉलम छोड़ दिया, तो ये डिटरमिनेंट बच गया, तो हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये आ गया आपके पास 1 × 4 - 2 - 0, है ना, ये 0 हो गया, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 3A, 3A हमने निकाल लिया, इसका डिटरमिनेंट कर लेंगे तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इसको भी C1, इसको लिख देना है कि किसके अलोंग हमने एक्सपेंड किया, यहाँ लिख लेंगे जैसे इसके बाद में कि एक्सपेंड अलोंग, एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया था, और इसमें भी लिख देंगे एक्सपेंड अलोंग C1, क्योंकि इसी में ही फायदा है हमें, तो 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, मैंने ये कॉलम छोड़ दिए, रो छोड़ दिए, एलिमेंट छोड़ देंगे उसके रो और कॉलम की, तो ये डिटरमिनेंट बच गया आपके पास 3 6 0 12, बाकी को करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 आना है वो 0 हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ भी नहीं किया क्योंकि 0 बाहर आएगा अंदर कुछ भी है 0 होना, यहाँ भी 0 आना है वो सारे 0 हो जाते हैं, इसलिए हमें इसके अलोंग एक्सपेंड करने में कैलकुलेशन ईजी हो जाती है हमारी, तो 3 तो 12 3 36 माइनस में 0 0 आ गया आपके पास, तो 36 108 आ जाएगा। राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाला था, ये कितना है 4 आपके पास, तो ये इनटू में 4 कर दिया तो कितना हो गया, ये भी 108 हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, हेंस 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए का, 3A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इक्वल आ गया आपके पास, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स, अब 4 पार्ट है, कोई 2 पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, देखो मैक्सिमम 0 किस में है, इसमें 0 है मैक्सिमम, तो
इसी के अलोंग क्या ये आर टू है, आर टू के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे इसको, है ना। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं पहले, एक्सपेंड अलोंग आर टू कर तो किसी के लो आंसर सेम आना है, लेकिन हम कैलकुलेशन इजी कैसे बने वो देखते हैं। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपका हो गया ना ए टू थ्री, माना देखो माइनस वन की पावर सुफिक्स का सम टू थ्री, और फिर बाहर क्या है ये तो इसके बाहर का क्या साइन आएगा, लेकिन एलिमेंट क्या ये माइनस का वन, और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, तो ये बच गए दो, ये दो, ये तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन और थ्री माइनस फाइव, ये बच गए आपके पास। तो देखो यहां से देखो ये माइनस आया, ये माइनस आया, तो ये प्लस हो गया, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थ्री फाइव जा माइनस फिफ्टीन, और इधर से माइनस आना है हमारे फार्मूले का, माइनस थ्री है तो ये प्लस का थ्री हो जाए, तो कितना आ गया माइनस ट्वेल्व आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा। एक पार्ट और देखते हैं हम लोग, इसका सेकंड पार्ट ही देख लेते हैं, उसमें एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो उसको तो किसी के लोग एक्सपेंड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लिख लेते हैं एक बार, तो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है माइनस फोर, थ्री माइनस फोर फाइव, वन वन माइनस टू और टू थ्री वन। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले प्लस आते हैं, अब साइन की भी दिक्कत नहीं है, प्लस आएगा पहले, और डिटर्मिनेंट लिख लो, ये छोड़ दो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वन माइनस टू थ्री वन प्लस, फिर माइनस आएगा और ये माइनस का फोर बाहर, ये माइनस सुफिक्स के कारण आया, ये माइनस का फोर एलिमेंट है, और ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, तो ये बच गए वन माइनस टू और टू वन, और फिर क्या आएगा, फिर प्लस आएगा, प्लस का फाइव है, तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो ये चार बच गए एलिमेंट, वन वन टू थ्री, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दो, थ्री वन माइनस का आना है तो ये प्लस का सिक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का फोर हो गया वन, ये प्लस का फोर आ जाएगा, ये प्लस का फाइव है, और थ्री वन जा थ्री माइनस टू वन जा टू, ये सेवन हो गया, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन प्लस में फाइव फोर जा ट्वेंटी, और ये वन आ गया प्लस में फाइव, तो ये कितना बन गया 46 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, अभी किया हमने इसी टाइप का, लेकिन फिर भी कर लेते हैं जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हम कुछ जरूरी नहीं है कि हमें वो टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखना है, डायरेक्ट अगर आप कर सकते हो तो भी कर सकते हैं, जैसे ये है इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ के जो डिटरमिनेंट है डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये छोड़ दिए छोड़ दिए, ये बच गया आपके पास, है ना। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो माइनस का नाइन, ये माइनस हमारे इसके साथ किया तो माइनस का ट्वेल्व, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आना है सुफिक्स के अकॉर्डिंग, तो ये इस तरह से, तो ये बच गए टू नाइन जा माइनस एटीन, माइनस हमारे फार्मूले का फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो प्लस का फिफ्टीन आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या बच गया माइनस का टू, सुफिक्स के अकॉर्डिंग तो प्लस है ना, लेकिन एलिमेंट माइनस है, तो फिर क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट छोड़ देंगे, तो ये बच गई, तो फोर टू जा एट माइनस में फाइव वन जा फाइव, तब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो कितना बचा, ये थ्री बच गया, ये माइनस का थ्री और माइनस का वन, तो प्लस का थ्री बच गया, और ये बच गया आप एट थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो कितना आ गया जीरो आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेवन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, देखो इस बात का ध्यान रखना आपने कि जब हमारे पास डिटरमिनेंट होता है ना, तो और डिटरमिनेंट क्या कहा था, एसोसिएटेड विद ए नंबर नॉट एलिमेंट, वो एक नंबर आता है उसका रिजल्ट, तो ऐसा नहीं है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर लेंगे, वो मैट्रिक्स में होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, लेकिन ये डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, तो
ये कितना आ गया 2 और ये 5 4 20, तो ये कितना हो गया 2x² और ये कितना हो गया माइनस का 24। इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये माइनस का 18 और 24 इधर आके प्लस का हो गया, ये आपके पास बचा 2x², तो 2x² इज इक्वल टू कितना बचा प्लस का 6 और दिस इंप्लाइज x² इज इक्वल टू 3 2 से डिवाइड करने के बाद, तो x क्या आ गया प्लस माइनस √3 आपके पास आंसर आ जाएगा x का। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही करना आपने। देखो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 5 2 10 लिख लेते हैं, चलो एक बार इसको 2 3 4 5 और x 3 2x 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 2 10 4 3 12, तो ये बच गया 5x माइनस 6x है ना, इसकी मल्टीप्लाई, तो ये बच गया -2 इज इक्वल टू माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x क्या आ गया 2 आ गया आपके पास, ठीक है ना, ये आंसर हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ये दो डिटरमिनेंट दे रखे, देन x इज इक्वल टू, इनमें से x किसके इक्वल होगा वो चीज निकालनी है, तो ऑप्शन बताना हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, एक्सपेंड करेंगे तो लिख लेते हैं, चलो एक बार x 2 18x इज इक्वल टू 6 2 18 6, ध्यान रखना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट नहीं करने हैं, तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, x इंटू x x² 18 2 36 इज इक्वल टू 6 6 36 माइनस 18 2 36, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 बच गया, x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x² इज इक्वल टू 36 और दिस इंप्लाइज x क्या आ गया रूट प्लस माइनस 6, तो आपका बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। अच्छा।